Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Accommodation of Social Diversity of Class 10 Civics Chapter Number 5. तो हम उन सारे टॉपिक्स को उन सारे फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम किसी भी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं. हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुका है कि किसी भी डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करेगी, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम्स वगैरह चलाएगी. कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में ध्यान देगी. एटलीस्ट हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नॉन डेमोक्रेटिक नेशन से बेहतर तरीके से डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएगी. एंड हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी. अब इसी सीरीज में हम जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी को अच्छे से अकोमोडेट कर सकती है. सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है? हम सभी लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल डाइवर्सिटी. कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोगों के अपने कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कुछ लोग अलग धर्म फॉलो करते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डिफरेंसेस हैं हम सबके बीच में, और यही क्या है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं. तो डेमोक्रेसी से ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इन सारे डाइवर्सिटी को एक साथ लेके चलेगी, अकोमोडेट करेगी. डाइवर्सिटीज की वजह से डेमोक्रेसी देश को टूटने नहीं देगी. डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? तो सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसीज जो हैं वो अपने सिटीजन्स के बीच में पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ जो है लाती हैं? क्या डेमोक्रेसी की वजह से सिटीजन्स को एक शांतिपूर्ण और हारमोनियस लाइफ मिलती है? इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ. और डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करना सही रहेगा कि जो लोग हैं उस देश में रहने वाले उनको एक अच्छी लाइफ मिले, उनको पीसफुल एंड हारमोनियस सोशल लाइफ मिले. क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों को बेहतर लाइफ प्रोवाइड कराएगी? क्योंकि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी जनता की गवर्नमेंट है. अब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको जनता ने लाके चुना है, जनता ने उसको लाया है, तो क्या ऐसी गवर्नमेंट को ये इंश्योर नहीं करना चाहिए कि उसके लोग जिन्होंने उसको पावर दी है, उस गवर्नमेंट को पावर दी है, उस गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो जनता है, वो अच्छे से रहे, वो पीसफुल तरीके से रहे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, राइट. सो वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स. और इस चीज़ का एग्जाम्पल हमने पिछले चैप्टर्स में देख चुका है कि किस तरीके से डेमोक्रेसीज जो हैं वो सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट करती हैं. वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैड सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेज अमंग एथनिक पॉपुलेशंस. जैसे कि हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, बेल्जियम ने कितने अच्छे तरीके से जो डिफरेंसेस हैं उनके देश में उसको अकोमोडेट किया. किस तरीके से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि हर भाषा बोलने वाले ग्रुप को एक रिकग्निशन मिले, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप को ऐसा फील ना हो कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है. तो इस तरीके का सिस्टम बेल्जियम ने अडॉप्ट किया. तो बेल्जियम ने क्या किया था, बेसिकली जो डाइवर्सिटी है उसे अकोमोडेट किया, उसको संजो के रखा, उसको एक साथ बनाए रखा. बेल्जियम में जो सिस्टम आया उसकी वजह से ये इंश्योर हो पाया कि बेल्जियम टूटे ना लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से, बेल्जियम एक बन के रहे भले ही कितने ही डिफरेंसेस हैं. डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन. तो डेमोक्रेसीज जो है, जैसा कि हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा, आमतौर पर डेमोक्रेसीज कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई प्रोसीजर जो है वो निकाल लेती हैं अपने अंदर के कंपटीशन को संभालने के लिए. मतलब डेमोक्रेसीज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो कंपटीशन चलता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जो लड़ रहा होता है, इन सबको रिजॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसीज कुछ प्रोसीजर्स, कुछ सिस्टम जो हैं डेवलप कर लेते हैं ताकि सारे लोग सही तरीके से रह पाएं एक देश में अच्छे से. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. अब जब डेमोक्रेसीज में इस तरीके के प्रोसीजर्स जो हैं सेटअप हो जाते हैं जिससे कि कंपटीशन कंडक्ट हो जाए, मतलब जिसमें देश के अंदर होने वाले जो झड़प हैं उनको रोका जा सके, इसकी वजह से क्या होता है, बड़े वॉयलेंट एंड एक्सप्लोजिव जो इवेंट हो सकते हैं, दंगे भड़क सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जो नुकसान हो सकता है देश को, वो बच जाता है क्योंकि एक ऐसा प्रोसीजर ला दिया जिससे कि ये मतभेद कम हो सके, रिजॉल्व हो सके. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups. अब देखो, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि अपने नागरिकों के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंटली रिजॉल्व कर सके. मतलब परमानेंट रेजोल्यूशन कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो झड़प रहेगी ही.
but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. बट एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं वो ये कि हम जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करें, हम रिकॉग्नाइज करें कि हाँ हमारे देशों में डिफरेंसेस हैं, हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, लोग अलग अलग तरीके के धर्म को फॉलो करते हैं, लोग अलग अलग जेंडर के हैं, लोग अलग अलग ओपिनियंस के हैं, इन सारी चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज करें और रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें कि सब सही है, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा धर्म फॉलो कर रहा है तो वो भी ठीक है, दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट करनी है, अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट करनी है. तो हमें क्या करना है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है और एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि डिफरेंसेस को नेगोशिएट किया जा सके. मतलब कि अगेन अगर कुछ झड़प हो रही है अलग अलग ग्रुप्स में, कुछ मतभेद हो रहे हैं, तो उनमें रेजोल्यूशन निकाला जा सके, उनका एक तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सके. तो एक ऐसा मैकेनिज्म सेट होना चाहिए जिससे कि मान लो दो ग्रुप्स में आपस में झड़प होती भी है तो उनको हम एक टेबल पर बिठा के, आमने सामने बिठा के जो मतभेद है उन्हें सॉल्व करवा लें. तो डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके का मैकेनिज्म वो सेटअप करेगी. डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने में जो कि इन डिफरेंसेस को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है. मतलब डेमोक्रेसी में ये क्षमता है कि वो इस तरीके के मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग तरीके के लोगों को एक पायदान पे लाके उनमें डिस्कशन हो सकती है, नेगोशिएशन हो सकती है. नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो आम तौर पे क्या करती हैं, वो डिफरेंसेस के प्रति आंखें बंद कर लेती हैं, वो देश में जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है उसको नज़रअंदाज कर देती हैं, बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं, या फिर वो इन सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं कि जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, कभी कभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश करती है जिससे कि अगेन ये जो डाइवर्सिटी है उसको हानि पहुंचती है. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उनमें ये बहुत ही अच्छी क्षमता है, एबिलिटी है कि वो सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर सकती है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते, या तो वो डिफरेंसेस की तरफ बिल्कुल ही आंख बंद कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि भाई कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं इशूज़ को, या फिर वो लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं. बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ डिफरेंसेस हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और किसी को सप्रेस नहीं किया जाता, कोई भी चीज़ दूसरों पे थोपी नहीं जाती. But the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. But हमने जो श्री लंका का example देखा था वो हमें ये याद दिलाता है, वो हमें ये बताता है कि ये चीज़ को achieve करने के लिए हमें दो conditions को fulfill करना होगा. किस चीज़ को achieve करने के लिए, कि जो diversity है, जो differences है वो अच्छे तरीके से accommodate हो जाएं, सारे लोग प्यार से रहें डिफरेंसेस होने के बावजूद भी. इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमें दो कंडीशंस लानी होंगी. कंडीशंस को देखने से पहले याद करते हैं श्रीलंका में क्या हुआ था. श्रीलंका में भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट आई थी, बट स्टिल हमने क्या देखा था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो सिन्हलीज भाषा को थोप रही थी तमिल स्पीकर्स के ऊपर. वो एक पर्टिकुलर भाषा को ज़्यादा वैल्यू दे रही थी और दूसरी भाषा को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रही थी. तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंसेस को अकोमोडेट करके नहीं चल रही थी, वो सप्रेस कर रही थी माइनॉरिटी को. तो हमें क्या समझ आता है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया ही जाएगा, बल्कि हमें दो कंडीशंस को इंश्योर करना होगा. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बावजूद ये कंडीशंस को लाना होगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा. तो क्या है वो दो कंडीशंस? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल होगा.
The majority always needs to work with the minority so that the government function to represent the general view. जो मेजोरिटी है, देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं एंड गवर्नमेंट कैसे बनती है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स जीत के आएंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होगी वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना देगी. मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी के बेसिस पे बनी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी की ही बात मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी की ओपिनियन ही चलेगी, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट भले ही मेजोरिटी के बेसिस पे बनी है बट गवर्नमेंट एक्चुअली पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, देश के पूरे लोगों को, सारे जितने भी 140 करोड़ देशवासी हैं उन सबको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है. इसका मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो मेजोरिटी ओपिनियन के साथ साथ माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, वो पूरे देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रही है, मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी को भी. तो वो माइनॉरिटी को इग्नोर करके नहीं चल सकती, माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस ना परमानेंट नहीं है. आज एक ओपिनियन मेजॉरिटी में है, हो सकता है कल वो माइनॉरिटी में आ जाए, है ना. मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि कोई चीज़ हमेशा सेम उसको पॉपुलैरिटी मिले. जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को हमेशा ही लोग सालों साल लोग सपोर्ट करें. हो सकता है आज का दौर ऐसा है जिसमें पर्टिकुलर ओपिनियन को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, बट मान लो 10 साल बाद कोई और नई ओपिनियन खड़ी हो जाए और ज़्यादातर लोग उसको सपोर्ट करने लग जाएं. तो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी जो हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन जो है ये परमानेंट नहीं है, दे कीप ऑन चेंजिंग. तो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी होगी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है उसको ये समझनी होगी कि सबकी ओपिनियंस, सबका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है. चाहे कोई ग्रुप आज मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, एवरीवन मैटर्स. इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कॉम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एटसेट्रा. तो दोनों पॉइंट थोड़े से मिलते जुलते हैं बट स्टिल दे आर डिफरेंट. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें ये समझना जरूरी है कि मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी कॉम्युनिटी जो है वो रूल करेगी. मतलब फर्स्ट में हमने ये क्या देखा कि हमें ये समझना है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो रूल करेगी या मेजॉरिटी ओपिनियन की बात सुनी जाएगी, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि मेजॉरिटी ओपिनियन भी सुननी है, माइनॉरिटी ओपिनियन भी सुननी है. सेकेंड पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है कि हमें यह समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी कॉम्युनिटी ही रूल करेगी, ऐसा नहीं है. देखो हर एक देश में डेमोग्राफिक्स अलग अलग होते हैं. हर एक देश में, मान लो हमारे देश में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, दूसरे रिलीजन्स को और लोग फॉलो नहीं करते. कोई पर्टिकुलर भाषा ज्यादातर लोग बोलते हैं, देयर इज अ नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि किसी पर्टिकुलर भाषा को बोलते हैं, तो हम कहेंगे वो मेजॉरिटी में है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी भाषा बोलने वाले लोग रूल करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है. चाहे मेजॉरिटी रिलीजन हो, रेस हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, चाहे मेजॉरिटी में कोई भी ग्रुप हो, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी ग्रुप ही रूल करेगा. नहीं, रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट persons and groups may and can form a majority. Rule by majority का मतलब ये है कि किसी भी केस में, कोई भी आपको decision लेना हो, किसी भी election में अलग अलग लोग majority बना सकते हैं, मतलब majority बदल सकती है. जैसे मान लो एक छोटा सा example लेते हैं, धर्म के basis पे चलो देखते हैं कि मान लो किसी particular देश में चार धर्म follow किए जाते हैं, A, B, C and D. ठीक है, अब इस देश में इलेक्शंस हुए. इलेक्शन देखने से पहले हम एक और चीज देखते हैं कि इनका परसेंटेज क्या है. ए धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो मान लो 55% है, 55% लोग जो हैं वो ए धर्म को फॉलो करते हैं. बी धर्म को फॉलो करने वाले लोग 5% है. सी धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो 10% है एंड डी धर्म को फॉलो करने वाले लोग 20% है. ठीक है, अब इस देश में जब इलेक्शंस हुए तो एक सी धर्म का बंदा जो है वो इलेक्शन में खड़ा था. इन सारे धर्मों के लोग जो हैं इलेक्शन में खड़े थे, ए से भी कुछ लोग थे, बी से भी थे, मान लो W, X, Y एंड Z ये लोग हैं. ठीक है, धर्म ABCD है एंड लोगों का नाम है W, X, Y, Z.
तो ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है इन पर्टिकुलर धर्मों से इलेक्शन में खड़े हो रही हैं। ए धर्म से डब्ल्यू है, एक्स पर्सन जो है वो बी धर्म को फॉलो करता है, वाई पर्सन जो है वो सी धर्म को फॉलो करता है, जेड जो है वो डी धर्म को फॉलो करता है। तो ये सारे लोग इलेक्शंस में खड़े हैं, कैंडिडेट्स हैं ये। तो हुआ क्या कि एक जो वाई है जो कि सी धर्म को फॉलो करता है, इस पर्सन को ज्यादातर लोगों ने वोट दिया। ज्यादातर लोग भले ही वो ए धर्म के थे, यहाँ पे देखोगे मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी है, मेजोरिटी धर्म कौन सा है, ए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग 55% लोग जो है ए धर्म को फॉलो करते हैं। बट ए धर्म मेजोरिटी में होने के बावजूद भी जब इलेक्शंस हुए तो क्या देखने मिला कि ज्यादातर लोगों ने वाई को वोट दिया है जो कि एक्चुअली सी धर्म से बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शंस में एक पर्सन ऐसा जीत के आया जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। बट अगर हम देखें तो वाई पर्सन कौन है जिसको इलेक्शंस में मेजॉरिटी मिली है, मोस्ट ऑफ द वोट्स वाई पर्सन को मिले हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनी है, उस पर्सन की जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, वाई को मेजॉरिटी मिली है। मैक्सिमम पीपल चाहे मान लो 70% वोट जो है वो वाई को मिले, और ये 70% वोट जो है इन चारों धर्मों से आए हैं। ए धर्म के लोगों ने भी वाई को वोट किया, बी धर्म के लोगों ने भी वाई को वोट किया, सी धर्म के लोगों ने भी किया, डी धर्म के लोगों ने भी किया, और सबका मिला के 70% वोट जो है वाई को मिले और उसने गवर्नमेंट बना ली। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिला कि भले ही वाई जो पर्सन है वो एक ऐसे धर्म से बिलोंग करता था जो कि माइनॉरिटी है, कम्युनिटी वाइज माइनॉरिटी है, बट जब वोटों में वो लड़ा, जब वो इलेक्शंस में लड़ा तो उसको मैक्सिमम वोट मिले, तो उसको मेजॉरिटी ओपिनियन मिली। अगर हम इन धर्मों को देख के सिर्फ ये कह देते कि क्योंकि ए धर्म जो है, ए धर्म को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं तो रूल में कोई ए धर्म से ही पर्सन आना चाहिए, तो ये कहना गलत होता। क्योंकि जब हमने एक्चुअली में इलेक्शंस करवाए तो हमें क्या देखने मिला, एक वाई पर्सन जो कि सी धर्म को फॉलो करता है वो जीत के आया। तो मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर धर्म, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर मेजॉरिटी में है तो सिर्फ वही रूल करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी कम्युनिटी कभी भी मेजॉरिटी बना सकती है। ठीक है, जैसे हमने वाई का एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से वाई किसी पर्टिकुलर, वो सी धर्म से फॉलो करता था जो कि एक माइनॉरिटी था, नंबर वाइज धर्म के बेसिस पे देखे तो सी धर्म माइनॉरिटी पे था, बट जब वोट हुए तो वाई को मेजॉरिटी मिल गई। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हर एक पर्सन को ये अधिकार है कि वो कभी भी मेजॉरिटी बना सकता है, कोई भी कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में किसी ना किसी तरीके से आ सकती है। यही सबसे मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, कि हम सबको इक्वल राइट है अपने रिप्रेजेंटेशन पाने का। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तभी रह जाती है जब हर एक सिटीजन को ये चांस मिलता है कि किसी ना किसी टाइम पे वो मेजॉरिटी में आ सकता है। मतलब कि उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, उसके पास इक्वल चांस है, पॉसिबिलिटीज है उसके पास, सबके पास इक्वल पॉसिबिलिटी है कि कोई भी पर्सन गवर्नमेंट में आ सकता है, कोई भी पर्सन मेजॉरिटी का पार्ट बन सकता है। जब इलेक्शंस हुए तो वाई पर्सन जीत के आया जो कि सी धर्म से बिलोंग करता था। इस तरीके से अगर हम देखें तो सी धर्म को मेजॉरिटी मिल गई, सी धर्म का पर्सन गवर्नमेंट बना रहा है ना। तो यही चीज है कि डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हर एक पर्सन को इक्वल राइट है मेजॉरिटी में आने का, रिप्रेजेंट होने का। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। अगर किसी भी पर्सन को उसके बर्थ के बेसिस पर, उसने किस धर्म में जन्म लिया है, उसने किस लैंग्वेज में जन्म लिया है, या किसी भी बेसिस पे अगर उससे मेजॉरिटी में आने का अधिकार छीना जाएगा, अगर उससे ये पॉसिबिलिटी छीनी जाएगी कि वो मेजॉरिटी में आ जाए, तो उस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेटिक रूल जो है अब वो बाकी नहीं बचा। मतलब अगर किसी भी पर्सन से ये अधिकार छीन लिया जाएगा कि वो मेजॉरिटी में आ सके, तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक रूल जो है वो अकोमोडेटिव नहीं होगा उस पर्सन या उस ग्रुप के लिए। तो ये कहा जाएगा कि जिस पर्सन को निकाला है, जिस पर्सन से उससे ये हक छीना गया है मेजॉरिटी में आने का, उस पर्सन के लिए डेमोक्रेटिक रूल जो है वो अकोमोडेटिव नहीं है, डेमोक्रेसी जो है वो उसके फेवर में काम नहीं कर रही, उस पर्सन के लिए फिर कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं।
सो आई होप कि ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखे, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनको सबको इक्वल चांस मिले कि वो मेजोरिटी में आ सकते हैं, सबके पास ये अधिकार हो कि वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं और उनके पास फेयर चांस हो कि वो मेजोरिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा।